उनके आर्थिक संसाधन ही सीमित हैं, है ना। और अभी तो कुछ ऐसा होता है कि जो पहले से नौकरी कर रहे होते हैं, ज़्यादातर तो सफाई का काम कर रहे हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उतने साधन नहीं हैं, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो यहाँ उनकी शिक्षा कम है। और उनके माँ बाप चाहते हैं, क्योंकि अब नौकरी तो है नहीं, तो वो चाहते हैं कि भैया हमारी ही नौकरी, हम अगर रिटायर हो जाते हैं तो हमारी नौकरी तुम ले लो। साथियों नमस्कार, समता आवाज़ टीवी देख रहे हैं आप। मेरे साथ जो शख्सियत है, जिस समाज से वो आती हैं, उस समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। वैसे देश के अंदर ही महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक कहा जाता है। देश की आज़ादी से आज तक महिलाएं अपने 50% के रिजर्वेशन को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में लगातार वो प्रदर्शन पर बैठ रही हैं, लेकिन समाज उनको कितनी सहभागिता दे रहा है उस पर चर्चा करनी ज़रूरी है। मेरे साथ राधा मैना है, महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष हैं महादलित परिसंघ की, एवं वाल्मीकि समाज अधिकार कर्मचारी संघ संपूर्ण भारत की भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चर्चा करेंगे, महिला हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन पूरे देश में दिया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हमारी महिलाओं को वो संवैधानिक अधिकार मिल पा रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं। राधे जी स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। राधे, ज़्यादा चर्चा में मैंने बताया कि क्या महिलाओं को, खासकर दलित समाज की महिलाओं को, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को वो अधिकार मिल पा रहे हैं आज़ादी के बाद से अब तक? ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि वाल्मीकि समाज की जो महिलाएं हैं, जो भाई हैं, उन्हें वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। अथक प्रयासों के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि उन्हें दबा दिया जाता है या उन्हें रोक दिया जाता है, तो ये समस्या बहुत बड़ी है और इस पर समय समय पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं, हम लोग प्रयास करते रहते हैं। उसके कारण क्या नज़र आते हैं जब आप फील्ड पे जाती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पद आपके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो जाहिर है कि फील्ड में जाती होंगी और इस तरीके की सोशल की खबरें जब आती होंगी तो पूरा संगठन में जाता होगा, तो उसके पीछे जब समीक्षा करते हैं तो खबरें या जो विचार हैं वो क्या निकल कर आते हैं? सर, जैसा कि देखा जाता है कि समाज में ज़्यादातर तो जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो जाति के हैं, वो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। क्या वजह, चलिए इसी को लेकर शुरू करते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, क्या वजह है? पढ़ना नहीं चाहते हैं, सरकारें या राज्य सरकारें व्यवस्था नहीं दे रही हैं, या उनका अंदर से मन नहीं है, या उनके आर्थिक संसाधन उनको इस लायक नहीं बनाते हैं कि वो पढ़ने जाएं? उनके आर्थिक संसाधन ही सीमित हैं जी, है ना। और अभी तो कुछ ऐसा होता है कि जो पहले से नौकरी कर रहे होते हैं, ज़्यादातर तो सफाई का काम कर रहे हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उतने साधन नहीं हैं, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो यहाँ उनकी शिक्षा कम है। और उनके माँ बाप चाहते हैं, क्योंकि अब नौकरी तो है नहीं, तो वो चाहते हैं कि भैया हमारी ही नौकरी, हम अगर रिटायर हो जाते हैं तो हमारी नौकरी तुम ले लो, जबकि पढ़े लिखे बच्चे हैं, चल रहा है, जबकि वो चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं वो चाहते हैं हम ये काम नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज अगर वो काम सफाई का करते आए थे तो हम भी करें। और फिर सरकार ने उन्हें इतनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि स्व सहायता समूह, अपना धंधा स्वयं करो, सरकार उन्हें मदद भी कर रही है, तो कुछ लोग इससे जुड़ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ लोगों की हिम्मत नहीं है और वहाँ तक ये योजनाएँ पहुँच भी नहीं पा रही हैं। राधा जी, आपको नहीं लगता कि सरकारों को या कहीं राज्य सरकारों को अपने नागरिकों को, खासकर पिछड़े वर्ग के जो नागरिक हैं या आर्थिक संसाधन नहीं है या गरीब तबके का जो है उसको आगे बढ़ने के लिए काम करने चाहिए, उसको इतर वर्तमान की सरकारों ने जातियों पर आधारित जो काम है, जैसे कोई कृषि कर रहा था उसको कृषि, कोई गाय पाला था उसको गाय पशुपालन, कोई अगर सुअर फार्मिंग कर रहा था उसको सुअर फार्मिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके बच्चों को, ये जो शुरू कर दिया है, इसको कहाँ तक आप सही या उचित मानते हैं? अब ये लोग अपने धंधे में परफेक्ट हैं जी। इनको शुरू से ये जिम्मेदारी दी गई थी कि बेटा हमने संभाला है, अब तुम्हें संभालना है, अब इनको इस क्षेत्र से अलग हटा के हम काम करवाते हैं, तो वो असमर्थ हैं क्योंकि उन्हें अधिकतर अनुभव नहीं है इन चीज़ों का। और अगर वो वही काम करते हैं जो उनके पूर्वज करते आए हैं या जो उनके पापा मम्मी दादा दादी करते आए,
तो नेचुरली के वो उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसको कहाँ तक उचित समझते हैं? इससे कहीं ना कहीं जो विकास की गति है वो तो है ना, हाँ जी, अवरोध हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये अपने अंदर से उन्हें चूज करना है, अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार उन्हें ये चुनना है ये क्षेत्र कि हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। वो जिस उद्देश्य से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसका एक ही मतलब होता है कि अपनी स्वेच्छा से नौकरी को फॉलो करें, चूज करें, या फिर अपने अनुसार धंधा करें, व्यवसाय करें। तो एज ए बीइंग ए महिला, क्योंकि महिला प्रतिनिधित्व वैसे ही हमारे देश के अंदर बहुत कम है, और आप जैसी महिलाएं प्रखर रूप से निकल कर आ रही हैं, तो क्या लगता है जो वर्तमान में अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मामला एससी समुदाय के, एसटी समुदाय के आरक्षण को वर्गीकरण को लेकर जो मामला उठाए, मुद्दा उठाया है, न्यायपालिका ने उसके ऊपर बेहद ही संवेदनशील अपना मत रखा है, उस पर आपका क्या कहना है? सर अभी तो सिर्फ लड़ाइयाँ ही चल रही हैं, खुलकर ये क्लियर नहीं हुआ है। जो भी संगठन है, जो भी केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, वो आपस में ही डिस्कस कर रही हैं, खुलकर वो कोई फैसला नहीं दे पा रही हैं। इस उस पर अभी तो चर्चा राधा जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकारें डिवाइड तो करना चाह रही हैं? हम चाहते हैं कि डिवाइड कर दे, जो अभी पिछड़े हैं उनको ज़्यादा रिजर्वेशन दे, लेकिन रिजर्वेशन मिलने के बाद क्या उनके पास वो संसाधन है जिससे वो उस रिजर्वेशन को कैरी कर पाएंगे? यहाँ भी मैं कहूँगी कि कुछ गोलमाल तो है ही, और दूसरी बात शिक्षा की कमी है। अगर जब उनको इस विषय में पता ही नहीं होगा तो वह कैसे आवाज़ उठाएंगे? ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उन्हें तो पता ही नहीं है, और जो बच्चे हैं उनको कोई लेना देना नहीं है, है ना? और भाई साहब जो हैं, पति जो हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आता कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया है और क्या नहीं किया, या क्या हमसे छीन लिया है। ऐसे में तो आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, खासकर महिला कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं यही काम कर रही हूँ, मैं महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा समझा रही हूँ, बता रही हूँ योजनाओं के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में, उन्हें जागृत करें कि आपको आगे बढ़ना है जी। है ना, आप घर के अंदर सिर्फ महिला बनकर नहीं रहो, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, क्या योजनाएँ आपके लिए आ रही हैं, क्या योजनाएँ निकाली गई हैं, आप उसको समझो, आगे बढ़ो। मैं ज़्यादातर महिलाओं को जागृत कर रही हूँ। तो आप राधा मैना हैं, जैसा कि उनके वक्तव्य से। अच्छा, अभी तक हमने जब से विवाद छिड़ा है तब से जितने भी लोगों से हमने चर्चा की है, एक बात पर वो बल देते आ रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के पहले मंत्र पर, शिक्षा के मंत्र पर। आप अपने बच्चों को कब शिक्षित करेंगे ये आपके हाथ में है। अगर आप भी चाहते हैं आरक्षण का, जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि पूरे एस सी समाज के अंदर सारा आरक्षण जाटव खा गए, चमार खा गए, मैं यहाँ पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि आप शिक्षित नहीं हैं, लेकिन जो कमियाँ रह गई हैं उनको दूर करें, आने वाले समय के लिए, आने वाले कल के लिए, अपने भविष्य की बेहतरी के लिए अपने बच्चों को शिक्षित करें, जिससे कि वो भी उन समाजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नौकरियाँ कर सकें, अपने जीवन के अंदर खुशहाली ला सकें। धन्यवाद। थैंक यू मैडम।